तो ये है वो जगह जहाँ पर ट्रैक्टर का और इस ट्रक का जो है एक्सीडेंट हुआ था। ये ट्राली इसकी जो है ईंटों से भरी हुई थी, हालांकि दूसरे में लोड हो गई है। देखिए पूरी रोड पे ईंटें ईंटें फैली पड़ी हुई है और ट्रैक्टर का एक पहिया जो है देखिए ट्रक के नीचे घुस गया है। और फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ये ट्रक कहाँ पर खड़ा होता है जा करके, क्या हालत हुई है इस ट्रक की। तो इसके अंदर जो है खाद की बोरियाँ लोड थी और बोरियाँ जो हैं प्लास्टिक की होती तो वो सरक कर आगे आ गई थी, इसी वजह से इसका केबिन पूरा झुक गया। और ये रहा वो ट्रैक्टर, देखिए इसकी क्या हालत हुई है, पूरा इसका कचूमर बन गया है। और ये छोटा वाला ट्रैक्टर है, आजकल बहुत छोटे वाले ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन ट्राली जो थी उसमें ईंटें बहुत ज़्यादा भर रखी थी, उसके हिसाब से ये ट्रैक्टर बहुत छोटा है। देखिए क्या हालत हुई, पूरा ट्रैक्टर जो है उसकी कह सकते हैं कि कचूमर बन गया है। और ट्रक की हालत देखिए क्या हुई, ट्रक का पूरा केबिन जो है वो ख़त्म हो गया है। गनीमत की बात यह रही कि ड्राइवर इसमें सेफ बच गया, ड्राइवर के साथ जो है कोई अनहोनी नहीं हुई। ये देखिए ईंटें वीटें पड़ी हैं। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि ये ट्रक जो है अब कहाँ पर खड़ा होगा, और फिर इसकी हालत मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अभी इसके अंदर सब खाद की बोरियाँ भर गई हैं। ये देखिए क्या हालत हुई है, तो देखिए ये यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया है। ये ट्रकों की पार्किंग है यहाँ पर, और इसकी अब मैं हालत आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस समय तो बोरियाँ भरी हुई थी और सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी जो है मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो अब काफ़ी धूप उप निकली हुई है, तो मैंने सोचा अब आपको वीडियो बना करके जो है दिखा देता हूँ। तो देखिए सब ट्रकों की पार्किंग है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट के पास में नीरे ट्रक खड़े होते हैं, तो ये ट्रक भी यहीं पर खड़ा हो गया आ करके। और दोस्तों ये ट्रक अब बन नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू डेट है वो निकल चुकी है, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस ट्रक के जो ऑनर हैं वो इसको बनवाएंगे नहीं, बल्कि इसको कबाड़ में बेच देंगे, क्योंकि ये सन 2000 से भी पहले की गाड़ी है, तो काफ़ी पुरानी हो गई है। और आपको मालूम है 15 साल से ऊपर का रजिस्ट्रेशन जो है अब नहीं होता है, यानी कि रिन्यूबल नहीं होता है, तो इसलिए ये गाड़ी जो है बनेगी नहीं, बल्कि कबाड़ में बिकेगी। स्टेयरिंग वगैरह सब उखड़ गया इसका, ये देखिए। इसे देख करके ऐसा लग रहा था कि इसमें ड्राइवर शायद बचा नहीं होगा, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर बच गया था। देखिए स्टेयरिंग वगैरह सब गायब हो गया इसके अंदर से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा जो है हुआ होगा। और आपने देखा भी अभी, तो ये देखिए पीछे से गाड़ी तो पूरी सही है, लेकिन आगे से पूरी जो है भूस हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो रेडिएटर वगैरह है वो सब फट गया था, इंजन पे इतनी तेज़ ठोकर लगी कि पूरी गाड़ी आगे से जो है ख़त्म हो गई है। देखिए कुछ नहीं बचा है, ये साइडों में क्योंकि बोरियाँ निकल आई थी बाहर, आपने देखा था, तो बोरियों की वजह से जो है पूरा केबिन ख़त्म हो गया और आगे को उखड़ गया है, मतलब जड़ से उखड़ गया, चेचिस के ऊपर से उखड़ने की वजह से ये केबिन बेकार हो गया। देखिए रेडिएटर में आपको अभी मैं आपको छेद दिखाता हूँ कि इसका जो रेडिएटर है वो पूरा फट गया है। ये देखिए चेचिस तक बाहर आ गया गाड़ी का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हुआ होगा। और गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर जो था बच गया, और ड्राइवर के थोड़ी बहुत चोट पोट लगी थी खाली बस। तो देखिए ये गाड़ी जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से खड़ी हो गई आकर के, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैं नीचे खड़ा हूँ गाड़ी के, मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे छज्जा निकला हुआ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।